हमारा जग वही हमारा सीट बाहर लाकर रंगवाता था, ये बातें सामने आ रही है। 2012 में बीएसएससी पेपर लीक में भी संलिप्त था, चार्ज सीटेड था और वो हमारा सीट बाहर लाकर रंगवाता था। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि बीपीएससी पेपर लीक में नए नए लोग आते रह रहे हैं। और अभी मैं बता दूं, आप लोगों को मालूम होगा कि डीएसपी रंजीत रजक जो है वो अंदर जा चुके हैं, इसी पे छात्र नेता दिलीप जो है वो सामने आए हैं और बहुत चीज बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं और बहुत सारे राज भी खोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा डीएसपी रंजीत कुमार रजक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जब उससे पूछताछ की गई आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग को लेकर। रंजीत कुमार रजक ओएमआर सीट बाहर लाकर रंगवाता था, ये बातें सामने आ रही है। 2012 में बीएसएससी पेपर लीक में भी संलिप्त था, चार्ज सीटेड था और वो ओएमआर सीट बाहर लाकर रंगवाता था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा बीपीएससी को भी ये सूचना दी गई थी, इसके बावजूद भी 53 से 55 में रंजीत कुमार रजक डीएसपी बनता है, 56 से 59 बीपीएससी के माध्यम से अपने एक भाई को एसडीओ बनवाता है सेटिंग से, इसके बाद 63 बीपीएससी के माध्यम से अपने एक अन्य भाई को अफसर बनवाता है, एक अन्य युवक का सेटिंग कराकर डीएसपी बनाता है और उससे अपनी सिस्टर की शादी करवाता है। रंजीत कुमार रजक जैसा आदमी आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से सेटिंग और धांधली कर रहा है कि बीपीएससी में अपने कई लोगों को, अपने भाई को, अपने सगे संबंधियों को ये सेटिंग करवा चुका है। जब बीपीएससी में इतने खुलेआम ये धांधली करवा रहा था तो आप सोचिए कि दरोगा बहाली, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, सिपाही बहाली में या अन्य बहालियों में किस तरह से सेटिंग या धांधली ये करवाता होगा। ये जांच का विषय है, इस पे जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए कि क्या रंजीत कुमार रजक या इनके जैसा और भी शिक्षा माफिया दरोगा बहाली में भी सेटिंग में संलिप्त है जिसका तार बीपीएससी पेपर लीक से भी जुड़ रहा है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और रंजीत कुमार रजक के बारे में जो जानकारी मिली कि ये ओएमआर सीट भी रंगवाता था, बाहर ले जाकर रंगवाता था, जिन अभ्यर्थियों से ये पैसा लेता था उनको ये पहले से बता दिया रहता था कि ओएमआर सीट खाली छोड़कर आना, यानी कि नाम, रोल नंबर और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देना है लेकिन गोला नहीं रंगना है, यानी कि आंसर का गोला नहीं रंगना है और बाहर ओएमआर सीट लाकर ही रंगवाता था। हम जो पिछले 4 सालों से चिल्ला चिल्लाकर ये बात कह रहे थे कि सेटिंग होती है, धांधली होती है, पेपर लीक होता है, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है दरोगा वाली, सिपाही वाली, बीपीएससी में, तो नीतीश कुमार जी हमारी बातों को नहीं माने और जांच नहीं करवाए। इसके पहले भी हम लोगों ने 2446 दरोगा बहाली में भी सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने किया था लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं करवाया, लेकिन आज ये बात उजागर हो चुका है और साबित भी हो चुका है कि रंजीत कुमार रजक इकलौता आदमी नहीं है। रंजीत कुमार रजक तो एक चेहरा सामने आया लेकिन ऐसा ऐसा बहुत लोग हैं जो सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं। तो हम बिहार सरकार से, यानी कि नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों के अंदर जो भी बहालियां बीएसएससी ने की है उन सभी की सीबीआई जांच एक बार करवाई जाए तो पता चल जाएगा कि 80 से 90% तक सेटिंग से लोग गए होंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से खुलासा हो रहा है उससे तो अब यही लग रहा है कि 80 से 90% लोग सेटिंग से ही बीपीएससी या अन्य बहालियों में जा रहे हैं। एक बार सरकार निष्पक्ष जांच करवा दे, सीबीआई जांच, पिछले 12-13 सालों में जो भी वैकेंसी आई है, जो भी बहालियां हुई है, उन सब की सीबीआई जांच करवाए सरकार। हम ये मांग करते हैं चाहे वो बीपीएससी के थ्रू हो, बीएसएससी, बीपीएसएससी या बीएसएससी हो या सीएसबीसी हो या दरोगा बहाली हो, सिपाही वाली, कोई भी हो, पिछले 12 सालों के अंदर जितनी बहालियां बिहार में हुई है और खासकर बीपीएससी के द्वारा जितनी बहालियां हुई है उन सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दरोगा बहाली की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पता चल जाएगा कि 80 से 90% लोग सेटिंग से गए हैं, ये सामने आ सकता है, ये जांच का विषय है। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं, जिस तरह से खुलासा हो रहा है उससे यही लग रहा है कि बड़े पैमाने पे शिक्षा माफिया जो है हावी है बिहार में और सेटिंग गेटिंग का धंधा फल फूल रहा है बिहार में। तो अब सरकार को चाहिए कि इस पे रोक लगाए और शिक्षा माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई करे और जितने भी छात्र छात्राएं हैं बिहार के उन सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता दिलीप जो हैं वो सामने आए हैं और रंजीत रजक जो कि डीएसपी हैं जो कि अब अंदर जा चुके हैं उनके बारे में वो पूरे मामले पे छात्र नेता दिलीप जो हैं वो पूरे
बता रहे हैं, जो बात है वो बता रहे हैं। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।